यहाँ अब सब कुछ अपग्रेड हो गया है, कॉलेज, हॉस्टल और सब बच्चे भी। अभी हम स्टूडेंट से डॉक्टर बन गए हैं। यहाँ हम सिटी के सेंटर में मिक्स हॉस्टल में रहते हैं, जिससे कि कुछ दूरियाँ कम हो गई है, जैसे कि हॉस्टल से कॉलेज की दूरी, मार्केट की दूरी, स्टेशन की दूरी और कुछ चीज़ें जो बढ़ गई है, जैसे कि हॉस्टल गेट बंद होने का टाइम। और क्योंकि स्टेशन इतने पास में था तो रात 1 बजे भी चाय पीने हम वहाँ जाया करते थे। यार चाय पीने का मन कर रहा है अभी, इतनी रात को तो स्टेशन पे जाना पड़ेगा। चल चलते। अब जब फाइनली डॉक्टर बन ही गए थे तो ड्यूटी की जिम्मेदारी तो आनी ही थी। तो ड्यूटी का हाल कुछ ऐसा होता था। अरे भाई इतने सुबह कहाँ? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। नए हॉस्टल की तो बात ही कुछ अलग थी। यहाँ थी लिफ्ट, जो कुछ लोगों के लिए मिरर ऑन डिमांड का काम करती थी। अब जब सब कुछ अपग्रेड हो ही रहा था तो अपने बच्चे जैसे पीछे रह सकते थे। जो लोग पहले चप्पल, स्प्रे और पेस्ट चोरी करते थे, वही आजकल शूज, बाइक्स और एयरपोर्ट्स गायब करने लगते थे। और जो लोग पहले ऑटो के 10 रुपए देने के लिए 10 बार सोचते थे, वही लोग आजकल 5 रुपए की चाय पीने के लिए 50 रुपए का डीजल जलाने में नहीं सोचते। हमारा वाटर कूलर एक गॉसिप हब है, जहाँ पर पानी की बोतल तो भर जाती है लेकिन बात करके मन नहीं भरता। One eternity later. बे पानी खत्म हो गया, बे मोटर चालू कर। अबे मोटर जली हुई है, रुक देखता हूँ कुछ। हॉस्टल पर पानी की कमी हो सकती थी लेकिन आइडियाज की नहीं। जो लोग पहले 5 मिनट में सिर्फ रेडी होते थे, अभी वही लोग 5 मिनट में हॉस्टल से सीधा वार्ड पहुंच जाते हैं। सुबह 9 बजे। यार रोशनी ये देख। अरे तू ये देख, आज से राइटिंग चालू करते हैं। हाँ आज से राइटिंग शुरू करते हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं बदले हैं, ये लोग 8 बजे की ड्यूटी को भी 10 बजे चले जाते हैं। और ये लोग JR के कॉल से नहीं बल्कि अपने अलार्म से ही उठते हैं। दोपहर 12:30 बजे। हॉस्टल में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो खुद तो डाइटिंग करते हैं नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देते हैं। भाई क्या स्वाद आ रहा है भाई? ये तो फोटोशॉप है। जाने दे। दोपहर 1:15 बजे। अरे चल भाई घूमने। नहीं भाई ड्यूटी पे जा रहा हूँ। हम प्यासे मर जाएंगे लेकिन पानी लेने नीचे नहीं जाएंगे। पर जैसे ही कोई बकरा नीचे पानी लेने जाता है, सब एक एक करके अपनी बोतल इसको थमा देते हैं।
5 minutes later. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। इंटर्नशिप के टाइम बच्चे लाइब्रेरी तो जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी से ज्यादा तो चाय के टपरी पे ही मिलते हैं। सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। चलो बे, चाय हो गई, अब लाइब्रेरी जाते, पढ़ाई करते। अबे मौसम इतना अच्छा हो गया, लाइब्रेरी जाते क्या? अभी पांगड़ी घूमने जाते हैं। चलो पांगड़ी जाते, पांगड़ी पांगड़ी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई से एडिक्टेड हो गए थे। ये लोग अपना काम जल्दी निपटा के सीधा लाइब्रेरी में पहुंच के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हुए दिखते हैं, और जब इनका स्कोर दिन ब दिन बढ़ता जाता है तब तो इनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे ही रहता है। और फिर आते हैं हेवी ड्यूटी के बाद हमारी ड्यूटी स्लिप को डिस्टर्ब करने वाले मैस अंकल। हेलो, अरे जल्दी भेजो ना टिफिन, कितनी बार कॉल करते हो, शाम का टिफिन नहीं दूंगा। नहीं तो भैया क्या टिफिन टिफिन कर रहे हो, डाल रही हूँ नीचे। यार मैगी खाने का मन कर रहा है आज, पर मैगी तो है ही नहीं ना अपने पास। आज तेरा भाई खिलाएगा मैगी। हट गए। जब मैगी खाने की तलब मचती है और मैगी का स्टेटस एनए होता है तो लड़कियां कुछ ऐसा जुगाड़ लगाती है। आखिरी बार ले, बोला था ना तुम लोग को फ्री में मैगी खिलाऊंगी। और भाई क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। कुछ नहीं भाई, मसाला कॉर्न और बिस्किट चाट बना रहा हूँ, आ जा तू भी बैठ जा खा ले। और कुछ खाने के शौकीन ऐसे भी। और तू भी बिस्किट लगा यार जल्दी, क्या कर रहा है भाई? हाँ कर रहे भाई, सब्र रख थोड़ा, आराम से काटना भाई, उंगली उंगली मत काट देना गलती से। A few moments later. वाह क्या बना यार बापना, यार भाई थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको नॉनवेज खाने का मन करता था तो सीधा इंडियन भाग जाते थे। चिकन चल रहा है क्या? चिकन चिकन आज टिफिन में क्या है? मैं बैगन आया। अरे यार हमेशा बैगन भेजता है ये। चल 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 चल। अरे हम लोग सब ऐसे क्यों बैठे हैं, केआर की पार्टी है ना। गाइस केआर की पार्टी है, अपन पहनेंगे क्या? पता नहीं यार, मैंने तो अभी इसी फेयरवेल में पहना था ये, और मैंने तो अभी यही जीटी में पहना था। यार मेरे पास तो अभी ड्रेस ही नहीं है। हम लड़कियों के पास दो अलमारी भर के कपड़े होने के बावजूद भी हमें दूसरों से कपड़े उधार लेने की जरूरत पड़ती है। इंटर्नशिप में बॉयज तो बहुत काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स के लिए नाश्ता लाना। Five minutes later. The next day. तुम्हारा दूसरा इंटर कहाँ
वो आज भी ड्यूटी पे नहीं आता है उसका 10 दिन का एक्सटेंशन लगेगा। मैं आ तो रहा था, कॉल करके पूछता हूँ उसको। गुड इवनिंग मैम। क्या हुआ, दो दिन से क्यों नहीं आ रहे हो तुम? मैम मुझे बहुत वीक फील हो रहा है और चक्कर भी आ रहे थे मैम, इसलिए मैं नहीं आया मैम। हाँ मैम इसको कल से बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है जाओ, दो दिन की सीए लेके आओ। यस यस मैम, यस ओके। पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, एक यूनिट कोल्ड ब्लड लेकर के आजा जल्दी। ओके सर। जल्दी। ओके सर। इमरजेंसी के टाइम पर ब्लड लाने का जो स्ट्रगल है वो एक इंटर्न ही समझ सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऐसे टाइम पे पूरा हॉस्पिटल एक टीम वर्क की तरह काम करता है। मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। ओके इशू कर दो। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा इंटर्नशिप में हम जितनी मस्ती करते थे उतना ही सीरियसली काम भी करते थे। और इंटर्नशिप करनी है तो जीएमसी गोंदिया में ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितनी लर्निंग, पेशेंट एक्सपोजर और पैशनेट क्लिनिशियंस मिलते हैं वो शायद ही कहीं और मिलेंगे। ऐसे क्लिनिशियंस जो हमें प्लूरल टैपिंग, इंटूबेशन और सेंट्रल लाइन जैसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स सिखा देते हैं। दीदी आपका पेशेंट अभी स्टेबल है, घबराने की तो कोई बात नहीं है। और जब हम अच्छा काम करते थे और यह बात एचओडी सर तक पहुँच जाती थी तब वे भी हमें अपने इंटर्नशिप के किस्से सुना के मोटिवेट करते थे। और अब जब इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम बाकी था और वो है कंप्लीशन पे साइन देना। अरे मेडिसिन के एचओडी की साइन मिल रही है। हां मैं एचओडी की साइन मिल रही है। सर्वा सर को मुझे चेहरा तो मैं। अरे मैं इसको तो उठा, मैं वो एचओडी की साइन मिल रही है। एचओडी की साइन। भाई दो अटेम्प्ट हो गए, अगले अटेम्प्ट के लिए कैसे पढ़ो बता देना जरा। अरे वो सब छोड़ भाई, पहले ये बता तू कैसे है। भाई सब लोग तो बस रैंक ही पूछते हैं, पहली बार तूने हालचाल पूछ लिया।